भारत सरकार के अधिकारियों के माध्यम से नेपाल के लोगों से संपर्क किया और वो हरकत में आए और हमने अपने एक एक तीर्थयात्री की चिंता की है, वो सब सुरक्षित है, उनको निकाल के लाए। नेपाल की बाढ़ में फंसे जबलपुर, रीवा और डिंडोरी की यात्री सुरक्षित हैं और सभी भारतीय सीमा की ओर निकल पड़े हैं। जल्द ही भारत के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। दरअसल बाढ़ की विभीषिका झेल रहे नेपाल में तीर्थ यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के पैसेंजर वहां बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। गौरतलब है, नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने न सिर्फ स्थानीय बल्कि वहां तीर्थ यात्रा के लिए गए तीर्थ यात्रियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। नेपाल में जबलपुर और डिंडोरी जिले से पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए तीर्थ यात्री आपदा की चपेट में आ गए। इस पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नेपाल की बाढ़ में फंसे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा, हमारे कोई भी यात्री कहीं भी फंसा हो, हमारी सरकार ने हमेशा चिंता की है। हमने भारत सरकार के माध्यम से नेपाल में बात की, फिलहाल हमारे एक एक तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। आइए आपको सुनवाते हैं नेपाल की बाढ़ में फंसे तीर्थयात्रियों पर क्या कुछ कहा सीएम मोहन यादव ने। हमारे कोई भी यात्री कहीं भी फंसा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सदैव चिंता की और मुझे इस बात का संतोष है, हमने जैसे ही भारत सरकार के अधिकारियों के माध्यम से नेपाल के लोगों से संपर्क किया और वो हरकत में आए और हमने अपने एक एक तीर्थयात्री की चिंता की है, वो सब सुरक्षित है, उनको निकाल के लाए। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि किसी देश के किसी हिस्से में या देश के बाहर के किसी हिस्से में अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई अनहोनी होती है, तो सदैव हमारे भारत सरकार के सभी अधिकारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब तत्परता से काम करते हैं। उसका हम सबको एक तरह से मन में संकल्प उनका आत्मविश्वास भी है और ये उनके त्वरित गति से काम करने की कार्यप्रणाली भी है।